हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रोशनी आ गई हूँ न्यू ब्लॉग लेकर। तो मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। मैंने झाड़ू पोछा, क्लीनिंग, डस्टिंग और पूजा वगैरह सब कर ली। नहा ली मैं और सारा काम कंप्लीट हो गया। जो सबके घर में दिनचर्या सुबह की होती है वो हो गया है। अब मैं सोच रही कुछ एक्स्ट्रा काम करूँ, तो वरना इसी में लगी रहती तो कोई और काम मैं कर नहीं पाती। तो आज मैं दोपहर में सोऊंगी नहीं, आज मुझे थोड़ा काम है। तो पहले मैं कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं आगे क्या काम कर रही हूँ, क्योंकि फ्री टाइम में कुछ एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आ गई थी मैं किचन में। मैंने कहा अभी सारा काम वगैरह मेरा हो गया है तो मुझे भूख लग गई थी, मैंने कहा खाना वगैरह खा लूँ, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करती हूँ काम। तो ये रात की ही सब्जी रखी थी, हस्बैंड आए नहीं थे तो मैंने कहा चलो ये खा लेती हूँ, फिर बाद में देखूँगी कुछ बनाना होगा तो बना लूँगी। तो ये मैंने थोड़ी सी सब्जी और थोड़े से चावल मैंने ले लिए हैं, और आइए आप भी मेरे साथ खा लीजिए। तो उसके बाद काम कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आज बनाई थी शू रैक, चप्पलों वाली रैक का कवर, हाँ सॉरी, चप्पलों वाली रैक का कवर बनाया था मैंने। तो वो ना मतलब जैसे वीडियो वगैरह बनाओ या कोई भी चीज़ करो ना, या कोई घर में आए तो खुली खुली ना देखो अच्छी नहीं लगती है। ये देखिए आप, ये ना अच्छी नहीं लग रही ना, सब सामान दिख रहा है बिखरा बिखरा सा और अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा जब घर की इतनी मैंने क्लीनिंग करी है तो ये थोड़ा सा छोटा सा एक काम ये भी मैं कर ही लेती हूँ। मैंने पहले सोचा था कि रैक को पेंट वगैरह भी करूँगी, तो ये भी मैं ज़रूर करूँगी, तो अभी आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल के लिए मैं ना अभी इसका कवर बना दे रही हूँ जिससे ये ना पूरा ढका रहे, क्योंकि खुला खुला ना अच्छा नहीं लगता, घर के अंदर ही रखना होता है इसे भी। तो यहाँ पर मैंने नाप ले लिया था और नाप से मैंने थोड़ा बड़ा ही रखा था, क्योंकि आधा ना सिलाई में मुड़ेगा भी कपड़ा, तो उस हिसाब से मैंने ना थोड़ा इसको वैसे थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखा था। और मैंने ना फिर इसको पीछे तक कर दिया था, मैंने कहा क्योंकि अगर सामने सामने रहेगा तो साइड साइड से तो दिखेगा, तो इस वजह से मैं अभी दिखाती हूँ मैंने किस तरीके से करा इसे। और ये मैंने पहले दो साइड आमने सामने मैंने कपड़े को दबा के सिल लिया था दोनों साइड। ये देखिए ये कपड़ा मेरे पास पहले से ही रखा था, कपड़े मेरे पास बहुत सारे रखे हुए हैं लेकिन मैंने ना यूज़ ही नहीं करे हैं, मशीन ही मेरी सही नहीं चल रही थी। तो अब मेरी मशीन सही हो गई है ना, तो इस वजह से अब काम याद आ रहे हैं कि मुझे ये भी करना है। मैंने दो ड्रेसें भी बनाई हैं, एक तो मैंने शॉर्ट वीडियो में शेयर करी थी, मैंने एक और बनाई थी, तो मैं आपके साथ वो भी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि मैंने कैसी ड्रेस और पगड़ी बनाई है। पगड़ी अभी कम्प्लीट नहीं है, उसको थोड़ा डेकोरेट करना है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप ज़रूर देखना वो ब्लॉग भी। और देखिए इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड करते हुए, और मैंने इसको चारों कोनों से फोल्ड नहीं करा था। तो लास्ट में मैंने ना नाड़ा डालने के लिए इसको फोल्ड कर दिया है, और उसके बाद फिर मैंने नीचे से कटिंग करी थी थोड़ी सी बाद में, मुझे लगा ये पूरा हो जाएगा लेकिन ये ना बड़ा थोड़ा लंबा हो रहा था, तो इसको मैंने नीचे से कटिंग करके और उसके बाद फिर मैंने नाप लिया था एक बार और,
उसके बाद ये देखिए नाड़ा डालने का हो गया है। अब मैं इसमें नाड़ा डाल के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए लग रहा है ना सुंदर, कुछ भी नहीं दिख रहा और ऐसा लग रहा है कि कुछ खाली खाली है, यहाँ पे तो कोई सामान ही नहीं रखा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट कुछ क्रिएटिविटी वीडियोस के साथ। बाय बाय, लव यू।